हेलो दोस्त, विजडम जस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद। आज मैं आपको हिस्ट्री का चर्चा, इंडियन हिस्ट्री, नेशनलिस्टिक मोमेंट, जो नेशनल मोमेंट होता है, और उसका चर्चा सवाल और जवाब के रूप में देने वाला हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर ऑफ 1940? लॉर्ड वेवल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड विलिंगटन। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता ने 1940 के अगस्त ऑफर को अस्वीकार कर दिया था? लॉर्ड वेवल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लॉर्ड विलिंगटन। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता, लॉर्ड वेवल तो गवर्नर जनरल है, ब्रिटिश का था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, ये कांग्रेस का नेता ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल कांग्रेस के नेता है, महात्मा गांधी भी कांग्रेस के नेता है, और लॉर्ड विलिंगटन ये भी कांग्रेस के नेता नहीं है। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को हमें इनके बारे में चर्चा करना ही पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1940 जब लॉर्ड लिनलिथगो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, लॉर्ड लिनलिथगो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था 1940 में, जब अगस्त ऑफर दिया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त ऑफर दिया गया था। इस अगस्त ऑफर से भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। भारत को क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, और गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारत के जो लोगों को लिया जाएगा, भारत को सही प्रतिनिधि दिया जाएगा। और तीसरा जो चीज़ हो गया, वर्ल्ड वार टू जो आ रहा है, वर्ल्ड वार टू जब 1940 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, 1930 वर्ल्ड वार टू 1939 से लेकर 1945 तक जारी था वर्ल्ड वार टू। जब वर्ल्ड वार टू के समय ये लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त का ऑफर दिया था, इस ऑफर से वर्ल्ड वार टू में भारत की जो सेना है वो वर्ल्ड वार टू में ब्रिटिश को मदद करते हुए और ब्रिटिश के शत्रुओं के खिलाफ लड़नी चाहिए, और ये मदद मांगने के लिए जो अगस्त ऑफर को लाया, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा वर्ल्ड वार के बाद भारत को, और गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतवासियों को और भारतीयों को बहुत सही प्रातिनिध दिया जाएगा, सम प्रातिनिध दिया जाएगा। और वर्ल्ड वार टू में इसके लिए वर्ल्ड वार टू में भारत के लोग, भारत की जो सेना है वो ब्रिटिश को मदद करनी चाहिए। ये जो प्रोविजंस थे अगस्त ऑफर के। अगस्त ऑफर किसने दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। लेकिन इस अगस्त ऑफर को जवाहरलाल नेहरू नहीं माने। अगस्त ऑफर को जवाहरलाल नेहरू ने कहे साफ साफ इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया इसको, ये हमें नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था, डोमिनियन स्टेटस बहुत पुरानी भावना थी और वो आप काम में नहीं आएगा, राइट। जब हम 1919 में जो डोमिनियन स्टेटस के लिए लड़ते थे, और 1919 का जो डोमिनियन स्टेटस जब देना था वो 1940 में आप दे रहे हो, इसका हमें एक्सेप्टेंस है ही नहीं, और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसको हम इनकार करेंगे आउटराइटली। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि भारत को आज़ादी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इस 1940 का अगस्त ऑफर को अस्वीकार किया और इनकार कर लिया। सही जवाब हो गया जवाहरलाल नेहरू। धन्यवाद दोस्त। आज की जो चर्चा में आप प्रश्न और उत्तर के रूप में हम जो चर्चा किए, वो चर्चा में भाग लेने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो विजडम जॉब्स का जो कुछ भी वीडियोस है उसके देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारे जो वीडियोस है उसको आप शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। आप जो हमारे वीडियोस की चर्चा में भाग लेने का बहुत बहुत धन्यवाद।